Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, dear learners. Myself, Nargis Parvez, dear students, today in this video, we are going to solve exercise of unit number 5, Road Safety Rules, Class 3, English. Dear students, इस वीडियो से पहले मैंने unit number 5, Road Safety Rules की reading with translation की है, और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां पर जाके दे सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डियर स्टूडेंट्स, आई वुड से दैट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ लेट्स स्टार्ट. इन पेज नंबर 51 वी हैव ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन मीन्स होता है जबानी बातचीत करना, जो अपनी आप वर्बली बातचीत करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. लर्निंग द साउंड्स, प्रैक्टिस सेइंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, हमने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस की. कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास, एक तो डू नॉट की है, डोंट, एंड सेकेंड वन इज डज नॉट, डजंट. रीडमी में पढ़ते हैं, रीडमी में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शंस आर मोस्टली वीक साउंड्स एंड आर अनस्ट्रेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट, आई डोंट, ही डज नॉट, ही डजंट. The present form of the verb is used with do and does. Example, eat, like, walk. Dear learners, contractions क्या हैं? Contractions weak sound. ठीक है, जो weak sounds हैं, that is called contraction. जो कि unstressed words होते हैं, वो हमारे contractions कहलाते हैं, यानी कि कमज़ोर आवाज़ें. ठीक है, तो आज हमने जो contraction पढ़नी है, वो do not की पढ़नी है और does not की पढ़नी है, राइट. और सेकंड वन इज क्या कह रहे हैं, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज विद डू एंड डज, यानी जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने पढ़नी है, वो डू और डज जो है वो इस्तेमाल होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं होता. देन देखें, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज विद डू एंड डज. एग्जाम्पल, ईट, लाइक, एक्सेट्रा. ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम डू और डज के साथ इस्तेमाल करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर एक्सरसाइज आपको पहले ये बता दूँ कि हम डू जो है किसके साथ इस्तेमाल करते हैं एंड डज किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें जो है समझने में आसानी रहे. राइट, देखें, डू जो है उसे हम इस्तेमाल करेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स और नेम्स के साथ. ठीक है, डज इस्तेमाल किया जाता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ. क्लियर, ये बात अपने माइंड में अच्छी तरह बैठा लें कि डू को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है और डज को कहाँ इस्तेमाल करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन. स्पीक द अंडरलाइन वर्ड्स यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस, एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू. कह रहे हैं कि स्पीक द अंडरलाइन वर्ड्स, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आपने ने बोलना है यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन के साथ एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू. तो ये हमें एक एग्जाम्पल दे दी है, तो चले हम देख लेते हैं. आई डू नॉट लाइक अ बनाना, आई डोंट लाइक अ बनाना. ठीक है, डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन डोंट. वी डू नॉट इन्जॉय दिस गेम, वी डोंट इन्जॉय दिस गेम. यू डू नॉट रन फास्ट, यू डोंट रन फास्ट. They do not live in China, they don't live in China. He does not play football, he doesn't play football. ठीक है, does not का क्या होगा, doesn't. Do not का क्या होगा, don't. She does not go to her village, she doesn't go to her village. It does not fly high, it doesn't fly high. Clear? Now next we have answer the following questions by stating yes and no and the contractions. क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन हैं हमें yes और no के साथ जो है yes और no की contraction के साथ हमें इनका reply करना है. Do I like का बनाना, इसकी first example दे दी है, yes I do, no I don't. ठीक है, हमें एक answer करना है yes yes पे और एक answer करना है no के साथ. Do I like का बनाना, yes I do, no I don't. Do we enjoy this game? Yes, we do. No, we don't. Do you run fast? Yes, you do. No, you don't. Do they live in China? Yes, they do. No, they don't. Does he play football? Does he
यस ही डज, नो ही डजंट. डज शी गो टू हर विलेज, यस शी डज, नो शी डजंट. डज इट फ्लाई हाई, यस इट डज, नो इट डजंट. तो अब यहां से देखें कि हमने आई वी यू दे के साथ जो है वो डू को इस्तेमाल किया है, ही शी इट डज के साथ इस्तेमाल हुए हैं. ठीक है, इसी तरह नीचे आप देखें, आई वी यू दे के साथ हमने डू को यूज़ किया है एंड ही शी इट के साथ हमने डज को यूज़ किया है. तो ये आपने ऑलवेज यू विल रिमेंबर दैट के डू कहाँ इस्तेमाल होगा और डज कहाँ इस्तेमाल होगा. नाउ मूव टू पेज नंबर 52. इन पेज नंबर 52 वी हैव टेल अबाउट टू थिंग्स यू डोंट वॉन्ट टू डू टूडे, कि आपने दो चीज़ों के बारे में बताना है कि जो आप नहीं करना चाहते. तो आई हैव मेड नोट्स फॉर यू, देख लेते हैं इसे. टेल अबाउट टू थिंग्स यू डोंट वॉन्ट टू डू टूडे. आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट टूडे, मैं आज क्रिकेट खेलना नहीं चाहता हूँ. सेकेंड वन इज़ आई डू नॉट वॉन्ट टू गो आउटसाइड फ्रॉम होम, मैं आज घर से बाहर जाना नहीं चाहता हूँ. यू कैन राइट एंड अदर सेंटेंसेज. नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव थिंग्स आई लाइक टू डोंट लाइक टू डू, गिव रीजन्स यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर्स. आपने वो चीज़ें बतानी हैं जो आप पसंद करते हैं और आपने वो चीज़ें बतानी हैं जो आप पसंद नहीं करते, और उनकी वजह भी बतानी है कि आप वो चीज़ें पसंद क्यों करते हैं और नापसंद क्यों करते हैं. और कह रहे हैं कि यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर्स, और आप पिक्चर्स से भी हेल्प ले सकते हैं. राइट, आई लाइक कम टू स्कूल, मैं स्कूल आना पसंद करता हूँ. बिकॉज आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स, क्योंकि मैं वहाँ से बहुत सारी नई चीज़ें सीखता हूँ. आई डोंट लाइक टू टेल अ लाई, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता. बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट नहीं है. ये सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन राइट, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ये जो है आंसर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रीड अलाउड. रीड अलाउड में जो है हमारे पास ट्रैफिक रूल्स की एक पोएम है, चले हम इसको रीड करते हैं. रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप स्टॉप राइट अवे. येलो लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टार्ट स्टार्ट राइट अवे. ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, आई से गो Go right away. Thank you, red, yellow, green. Now I know what the traffic lights mean. तो इस तरह से आपने भी इस पोएम को जो है वो रीड करना है, सिंग करना है. राइट, नाउ मूव पेज नंबर 53. इन पेज नंबर 53 वी हैव साइट वर्ड्स. साइट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? साइट वर्ड्स हमारे रीडिंग में बार बार वर्ड्स आते हैं, तो उनको हमने फ्लुएंटली जो है रीड करना होता है विद स्पेलिंग. अच्छे से याद कर लें ताकि जब भी ये आपकी रीडिंग में आए तो आप इनको फ्लुएंटली जो है आप इन वर्ड्स को रीड कर लें. साइट वर्ड्स से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स. ट्रैफिक टी आर ए डबल एफ आई सी, ट्रैफिक एस टी ओ पी, स्टॉप जी आर डबल ई एन, ग्रीन आर यू एल ई एस, रूल्स. ट्रैफिक स्टॉप ग्रीन रूल्स, ट्रैफिक स्टॉप ग्रीन रूल्स. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीड द टेक्स ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. रीड करें आप टेक्स को और जो है इनके क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस द रोड. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ वी जम्प फ्रॉम अ मूविंग बस और अ वैन. The third question, how can we guide people to stop at the red light? What should we do when the yellow light is on? I have made notes for you and now I am sharing with you. The first question we have, what are the rules to cross the road? What are the rules to cross the road? के क्या rules होते हैं, क्या असूल होते हैं road को cross करने के. There are three important rules. यहाँ पर तीन important जिनके खास rules हैं. Stand on the side of the road and look to your right. आप खड़े हो जाएं road पर, side पर, और पहले अपने दाएं तरफ देखें. Look to your left,
बाएं तरफ देखें, लुक टू योर राइट अगेन एंड क्रॉस द रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग, और अपने दाएं तरफ दोबारा देखें और जेब्रा क्रॉसिंग किस पर जो है आप अपना रोड क्रॉस कर लें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वट विल हैपन इफ वी जम्प फ्रॉम अ मूविंग बस और अ वैन, क्या होगा अगर हम चलती हुई बस या कार बस या वैन से जो है वो जंप लगाएंगे तो, ठीक है, छलांग लगा देंगे तो। इफ वी जम्प फ्रॉम अ मूविंग बस और अ वैन वी मे हैव एन एक्सीडेंट, अगर हम चलती हुई बस या फिर वैन से जंप लगाएंगे, छलांग लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। Now we have third question. Third question we have, how can we guide people to stop at the red light? हम कैसे लोगों को जो है guide कर सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कि red light पर रुक जाएं। We can guide people to stop at the red light by raising our hand. तो हम अपना हाथ हिलाकर लोगों को जो है वो guide कर सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कि red light पर यानी कि सुर्ख बत्ती पर रुक जाएं। What should we do when the yellow light is on? क्या होता है जब येलो लाइट जो है पीली लाइट जो है वो जलती है। We should get ready without moving our vehicles. यानी कि क्या करना चाहिए कि हमें रेडी होना चाहिए बगैर अपनी गाड़ी को चलाए हुए, ठीक है, यानी रेडी हो जाना चाहिए कि अब हमारी हमने जो है वो मूव करना है। Now we have language focus, vocabulary building. Read the given words with their meanings. Write syllables of the words. क्या करना है, हमने वर्ड्स की मीनिंग बतानी है, उनके सिलेबस को भी डिफाइन करना है कि वो कितने सिलेबल हैं, नंबर ऑफ सिलेबल हमने बताने हैं, ठीक है। वर्ड्स, नंबर ऑफ सिलेबल्स, मीनिंग। सेफ्टी, सेफ्टी में जो है हमें एग्जांपल दे दी है, सेफ्टी में टू सिलेबल हैं, सेफ फ्रॉम इंजरी और एक्सीडेंट, यानी कि जो है जख्मी होने से और एक्सीडेंट होने से हिफाजत में रहना, ठीक है, यानी कि सिंपल हिफाजत। क्रॉस, क्रॉस में जो है वन सिलेबल है, क्लियर। टू गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। इमेज, इमेज मेंटल पिक्चर, यानी कि जहनी तस्वीर। देन है व्हीकल्स, व्हीकल्स में हमारे पास है थ्री सिलेबल, अ मशीन विद व्हील्स एंड इंजन, यानी कि मशीन जिसमें व्हील भी हो और इंजन भी हो। केयरलेसली, केयरलेसली विदाउट केयर, यानी कि बेपरवाह, जो कि परवाह ना कर ले, ठीक है, विदाउट केयर यानी कि केयर के बगैर। Then in page number 54 we have, in page number 54 we have learning to spell, join the syllables to complete the words, write these in the given boxes. क्या करना है कि ये हमें सिलेबल दो दो सिलेबल करके दिए हैं और हमने इनको ज्वाइन करके वर्ड बनाना है। रीड में भी लिखा है द वर्ड साइक्लिस्ट हैज टू सिलेबल्स, साइक्लिस्ट, तो इसी तरह से एवरी वर्ड जो है वो टू सिलेबल्स पे है और उनको ज्वाइन करके हमने वर्ड्स बनाने और देन हमने इस बॉक्स में लिखना है। ट्रे, अब देखें ट्रे, टी आर ए टी, ट्रैफिक, डबल एफ आई सी को मैच कर देंगे तो ये वर्ड बन जाएगा ट्रैफिक और देन हम इसको यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। सेकेंड है फॉलो, एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू, फॉलो सेकेंड वर्ड है, फॉलो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। देन हैवी, है वी को मैच करेंगे, देन वर्ड को ज्वाइन करके यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। इसी तरह से चिल्ड, चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रन वर्ड को भी जो है ज्वाइन करेंगे, देन यू विल, वी विल राइट हेयर। केयरफुल, केयरफुल ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। देन हमारे पास है ग्रामर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस, यहाँ पर क्या करना है कि हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो है वो वर्क करना है। पहले हम ये देख लेते हैं रीडमी में, सम ऑफ द थिंग्स कैन बी काउंटेड एंड सम कैन नॉट, फॉर एग्जाम्पल यू कैन काउंट अ ग्लास बट cannot count water, तो ये क्या कह रहे हैं कि countable और uncountable noun के बारे में बता रहे हैं। countable और uncountable की मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं डिटेल में। बस जहाँ से थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूँ कि countable noun कौन से होते हैं और uncountable noun कौन से होते हैं। countable noun वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन वो होंगे जो आप काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर जिस तरह से एग्जांपल दी है कि गिलास जो है वो काउंटेबल नाउन है और वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसी तरह से अब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मज़ीद हम इस चीज़ को समझ लेंगे। राइट सी इन द बॉक्स इफ़ इट इज़ काउंटेबल एंड यू इफ़ इट इज़ अनकाउंटेबल, अगर हमने सी लिखना है अगर काउंटेबल नाउन है और यू लिखना है अगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो कैरेट, कैरेट को काउंट किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम सी राइट टर्न करेंगे। देन देखें राइस है, राइस
इट इज़ अनकाउंटेबल. तो वी विल राइट हेयर यू. देन पोटैटोज वी कैन काउंट, वी विल राइट हेयर सी. तो हम काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे. देन बुक्स, बुक्स इट इज़ आल्सो अकाउंटेबल नाउन, वी विल राइट हेयर सी. देर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ थ्रेड एंड वी विल काउंट इट, तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे. ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स के थ्रेड हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो वी विल राइट हेयर सी. आई थिंक इट इज़ अ सूप, और इट इज अगर ये सूप है तो इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. देन टू बंच ऑफ ग्रेप्स, इट इज़ काउंटेबल, वी विल राइट हेयर सी. देन वाटर इज फॉलिंग, तो इट इज़ आल्सो नोन एज अनकाउंटेबल नाउन. पेज नंबर 55, इन पेज नंबर 55 वी हैव यूज ऑफ द वर्ब कैन कैनॉट. हमने क्या करना है, इसमें हमने वर्ब को यूज़ करना है जो कि कैन और कैनॉट है. के लिए हम इसको रीड मी में पढ़ लेते हैं. कैनॉट इज द रिटन फॉर्म एंड फॉर स्पीच इज इट्स कॉन्ट्रेक्शन इज कांट. कि रिटन फॉर्म में जो है हम कैनॉट लिखते हैं और इस बोलने में हम इसकी कॉन्ट्रेक्शन यूज़ करते हैं, यानी कि वीक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. अब आपने पीछे जो है डू और डज की कॉन्ट्रेक्शन की है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रेक्शन है क्या. देन है रीड मी, द वर्ब कैन इज़ यूज फॉर एबिलिटी. ठीक है, ये एक मॉडल वर्ब है. कैन और कैनॉट दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं. द वर्ब कैन इज़ यूज फॉर एबिलिटी, ये जो कैन है ये एबिलिटी को शो करता है. ठीक है, यानी कि आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत को शो करता है. एंड कैनॉट फॉर अनएबिलिटी, यानी कि ये नाकाबिलियत को, और यानी कि जो सलाहियत आप में मौजूद नहीं है उसको शो करता है. वन बॉय कैन स्विम, एक लड़का जो है वो तैर सकता है, तो ये एबिलिटी शो कर रहा है. एंड वन बॉय कैनॉट स्विम, और एक लड़का तैर नहीं सकता, तो ये अनएबिलिटी को जो है वो शो करता है. क्लियर. देन है राइट थ्री थिंग्स दैट यू कैन डू एंड थ्री थिंग्स यू कैन नॉट, यू कैन नॉट. ठीक है, आपने तीन चीज़ें बतानी हैं जो आप कर सकते हैं, और आपने तीन चीज़ें बतानी हैं जो कि आप नहीं कर सकते. आई कैन रीड, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन रन फास्ट. तो ये तीन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. आई हैव रिटन दिस फॉर यू. एंड आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, आई कैन नॉट जम्प टू हाई. तो ये तीन चीज़ें हैं यू कैन नॉट डू. आई हैव रिटन दिस बट यू कैन राइट एंड अदर सेंटेंसेस. देन वी हैव लुक एट द गिवन पिक्चर्स and complete the sentences by using can, cannot, you may take help from the choice of verbs. क्या कह रहे हैं कि इन pictures को देखें और इन sentences को जो है वो complete करें, और जो pictures जो verbs हैं, choice of verbs हैं, उनसे भी आप help ले सकते हैं. तो देखें, first picture देखें. first picture में जो है इसके पाँव पे चोट लगी हुई है. ठीक है, picture को ज़रा देखें, और first word जो है हमारे पास है, verb जो है वो jump है. तो यहाँ पर क्या आएगा, he cannot jump. क्यों? क्योंकि ये इंजर है, ये जंप नहीं कर सकता. सेकंड में देखें, सेकंड में जो है फ्रॉग है. अब ये क्या लिखा हुआ सेकंड में, हॉप, इट कैन हॉप. देन थर्ड देखें, क्या कर रहा है, राइट कर रहा है ये, ही कैन राइट. थर्ड हमारे पास वर्ब क्या है, राइट, ही कैन राइट. फोर्थ में देखें, यानी कि वो स्विम नहीं कर पा रहा है. ठीक है, यानी कि डूब रहा है, तो क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट स्विम. अब वर्ब क्या है हमारे पास, स्विम. फिफ्थ हमारे पास क्या है, सिंग. तो ये सिंगिंग कर रहे हैं. ठीक है, दे कैन सिंग, वो गा सकते हैं. देन सिक्स, प्ले, शी कैन प्ले. तो ये खेल रही है. देखें, पिक्चर में भी देखें और फिर वर्ब को भी देखें, शी कैन प्ले. देन सेवन्थ है, सेवन्थ में हमारे पास देखें, ये ब्लाइंड है, नहीं देख सक रहे, सी है, तो क्या होगा, ही कैन नॉट सी, कि वो देख नहीं सकता. एट्थ, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं. ठीक है, फ्लाई है, दे कैन फ्लाई, राइट. तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया. देन हमारे पास है राइटिंग, लर्निंग, लर्निंग टू राइट, राइट अप्रोप्रिएट मैसेजेस अंडर द साइंस गिवन ब्लो. हमने क्या करना है कि ये साइंस हमें दिए हुए हैं और ये मैसेजेस दिए हुए हैं, हमने इनके नीचे ही लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि जगह कम थी तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर नंबरिंग जो है वो लिख दी है. फर्स्ट आप देखें, सिंबल जो है उसे आप देखें, तो फर्स्ट जो है क्या है, नॉट लेफ्ट टर्निंग. फर्स्ट पे आप लिखेंगे नो लेफ्ट टर्निंग. देन सेकंड जो है देखें, पी और फिर क्रॉस है, तो इसका क्या आएगा, नो पार्किंग. क्या आएगा, नो पार्किंग. देन देखें, ये बाजा बना हुआ है, देन क्रॉस है, तो क्या आएगा, नो हॉर्न.
थर्ड में आएगा नो हॉर्न, ठीक है। देन 40 जो है एक स्पीड को शो कर रहा है, तो फोर्थ में आएगा स्पीड लिमिट। और ये देखें जो क्रॉस कर रहे हैं रोड, क्रॉसिंग द सीनियर सिटीजन, यानी कि जो बुजुर्ग लोग जो हैं वो क्रॉस करते हैं रोड, तो उसके लिए। तो इस तरह से पेज नंबर 55 वी हैव डन। नाउ मूव पेज नंबर 56 एंड दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में हमारे पास है लुक एट द थ्री पिक्चर्स, राइट द ट्रैफिक रूल्स दैट अप्लाई टू देम। हमने क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और ट्रैफिक रूल्स लिखने हैं जो कि अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट में देखें जो है, फर्स्ट में क्या आएगा, डू नॉट मूव व्हेन द रेड लाइट इज ऑन, जब रेड लाइट ऑन हो तो हमें मूव नहीं करना है। देन सेकेंड में देखें, लाइन्स में गाड़ियाँ हैं, ठीक है, कीप इन योर लेन, कि आप अपनी लाइन में ही रहें, ठीक है, लेन में ही रहें। थर्ड, जो फ़ोन यूज़ कर रही हैं, डू नॉट यूज़ द मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, जब आप ड्राइविंग कर रहे हों तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें। प्रोजेक्ट रोल प्ले पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है आपका रोल प्ले का। यू आर अ पुलिस ऑफिसर, कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। व्हाट साइंस डू वी नीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कूल, गेट, कैंटीन, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। आपका कहना है कि कौन से साइन जो हैं हमें लगाने चाहिए स्कूल के पास, कौन कौन सी जगह पे, गेट पे, कैंटीन पे, प्लेग्राउंड पे, प्लेग्राउंड में, तो वो उसके बारे में पूछ रहे हैं। मेक अ लिस्ट एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, एक लिस्ट बनाएं और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। प्रिपेयर द साइंस, और जो साइंस जो हैं एक जो है आप शीट पे बना लें, जितने भी ट्रैफिक रूल्स के साइंस हैं वो। डिस्प्ले देम एट डिफरेंट प्लेसेस विद परमिशन, और परमिशन लेकर जो है डिफरेंट प्लेसेस पर इनको पेस्ट कर दें। देन हमारे पास है टंग ट्विस्टर, लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। तो आपने ये जो है टंग ट्विस्टर अपने जो है जल्दी से जल्दी बोलने की कोशिश करनी है और अपने दोस्तों के साथ इसे जो है वो शेयर करना है। तो क्या है हमारे पास, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो इस तरह से हमने यूनिट नंबर 5 रोड सेफ्टी रूल्स यानी कि सड़क के हिफाजती असूल की एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह जो है आप समझ के होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट नाउ। गुड बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट लेसन।